तो गाइज आज हम जा रहे हैं तमकुर आज, वहाँ पे हमें कुछ काम है। वहाँ पे हमारे भैया ने कुछ सामान दिया था, उसे हमको लेना है, तो वहाँ पे जाकर अभी हम सामान लेंगे, उसके बाद से आपको वीडियो में दिखाते हैं। तमकुर राज जो कि हमारे गांव से लगभग 43 किलोमीटर है, तो चलिए फिर अपने सफ़र को शुरुआत करते हैं और आगे आपको दिखाते हैं वीडियो में। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. तो गाइस ये है फाजी नगर, और ये फाजी नगर का मेन हाईवे तमकुर राज यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर भी है। अभी हम अपने गांव से लगभग 30 किलोमीटर दूर आ चुके हैं, तो ये फिर से आपको दिखाते हैं आगे, और आपको जूम करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से देख सकते हैं तमकुर राज में 9 किलोमीटर के पास है, 42 किलोमीटर जो कि हम लोग का बिहार का जिला पड़ता है। तो अभी हम लोग 45 किलोमीटर आ गए, लगभग और 5 किलोमीटर आगे जाना है, तो 50 किलोमीटर पड़ेगा। तो ये है महलिया गांव के पास का एक बहता हुआ पुल, जो कि काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ से आप देख सकते हैं सामने पानी कितना तेज़ रफ्तार से बह रहा है। तो अभी हम इस पुल के रास्ते होकर जाएंगे तमकुर राज। तो चलो विकास, तो गाइस अभी हमने यहाँ पर सामान ले लिया, आप देख सकते हैं मेरा जो सामान आया हुआ था, सामान ले लिए हैं, तो और हम चल रहे हैं आगे। आगे आपको दिखाते हैं, आगे कुछ मंदिर है तमकुर राज में, फिर वहाँ आपको दिखाते हैं उस मंदिर का सीन, मंदिर कैसा है क्या। अभी हम कभी गए नहीं है, फिर आपको चलते हैं आगे वीडियो में दिखाते हैं। तो गाइस ये बहुत बड़ा पंगा हो गया, पंगा ये हुआ कि हमारा गाड़ी हो गया पंचर, हम लोगों को पता नहीं था, हम लोग उसमें चल के आ रहे थे, और आप देखिए चक्का क्या हाल होता है, पीछा टायर हमारी गाड़ी का पंचर हो गया, शायद ट्यूना फट गया हो, नहीं तो हमारे पैसा भी नहीं, तो मेरा तो यही कराना पड़ेगा। और तरीके अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा बताओ। हाँ तो गाइज हम लोगों ने सामान लेकर काफ़ी दूर आ गए थे रास्ते में, तब कोई राज में रोड पे, और हम लोग गाड़ी पंचर हो गया था, हमने देखा ही नहीं, और गाड़ी के जो टायर ट्यूब दोनों है ख़राब हो गए। अभी रुके एक चौराहे पे, देख सकते हैं पीछे गाड़ी का जो टायर है यहाँ पीछे खुला हुआ है, और टायर यहाँ पे देख रहे क्या हो रहा है, टायर कितना पंचर है तो मालूम चलेगा अब चेक करने के बाद कहाँ पंचर है, और उसके बाद से फिर बनवा के हम आगे जाएंगे। तो गाइस अभी हम आ गए तमकुर राज किले में, और आपको चल के आगे दिखाते हैं किला कैसा है। हम भी यहाँ पहली बार आ रहे हैं किला में देखने के लिए, और आगे जो मंदिर था उस मंदिर को दिखाया, वो शिव मंदिर था, प्राचीन मंदिर, वहाँ पे अभी शादी विवाह का कार्यक्रम चलता है, और आप देख सकते हैं इधर पीछे। और चलते आपको अंदर दिखाते हैं, अंदर हम किसी से पता किए तो मालूम चला है कि अंदर नया मकान बना है राजा साहब का, तो चलिए उसको भी दिखाते हैं शायद यहाँ पे पानी। और ये क्या विकास कुछ मालूम चल रहा है, देख के इसको पानी टंकी शायद, और ये देख सकते हैं कुआं है शायद पानी पीते होंगे सब, पहले के राजा महाराजा का यहाँ पर कुआं हुआ करता था, अभी भी है, और इसमें पता नहीं क्या इसके अंदर था, और देख सकते हैं इधर देख सकते हैं ये, और यहाँ पे देख सकते हैं राजा इंद्रजीत मेमोरियल विद्या एकेडमी, यानी राजा साहब के नाम से एक स्कूल खुला हुआ है यहाँ पे, जो कभी बंद है, और आगे ये देख सकते हैं बिल्डिंग जो है। तो चलते हैं इसके अंदर, आपको दिखाते हैं, इसके अंदर जाना रिस्क है, पर हम आपको अंदर इसके जाके दिखाते हैं अंदर क्या है, देख सकते हैं। और यहाँ पे पानी टपक रहा है अभी, अब देख सकते हैं सामने पानी टपक रहा है इसके अंदर, यहाँ पे आना रिस्क है अभी,
महल होगा या फिर कुछ और होगा, इसके बारे में मुझे उतना पता नहीं है। काफ़ी ऊंची ऊंची है ना भाई ये, और कितनी मोटी मोटी लकड़ी बनाई है भाई। और ये इसके अंदर भाई कदर क्या, अंदर भी कुछ है, दरवाज़ा देख सकते हो भाई। अंदर जाना देख यार, अंदर नहीं जा सकते हैं, गिरेगा नहीं। नहीं आओ देखते हैं भाई, काफ़ी पुराना है। क्या यार, तो गाइस देख सकते हैं कितना खतरनाक बनावट है इसका, आप लोग देख सकते हैं। शायद यहाँ पे राजा बैठा करता होगा। हाँ यहाँ पे, हाँ हो सकता है यहाँ मैं बैठा हूँ, पर मुझे इतना पता नहीं क्या था यहाँ पे। तो गाइस वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ और कोई वीडियो पर रिस्पॉन्स नहीं मिला है, तो गाइस प्लीज़ आप भाई को सपोर्ट करिएगा और आगे वीडियो को शेयर करते रहिएगा। तो चलिए आगे आप कुछ दिखाते हैं, आगे भी है। तो गाइस देख सकते हैं मेरे सामने कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, और ये पुरानी बिल्डिंग है और सामने जो है आपको नई बिल्डिंग बनी है, और इसके साइड में यहाँ पर आपको ऊपर से कुछ व्यू दिखाते हैं, ऊपर कैसा लग रहा है और क्या है ऊपर से। तो आइए, ऊपर जाना रिस्क है पर आइए कुछ दिखाते हैं आपको। यानी दो दो छत वाला है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कुछ छत था लेकिन टूट गया है, और अंदर का पूरा सीन देख सकते हैं सामने। वहाँ वहीं पर हम लोग गए, उसके अंदर जो आप देख सकते हैं यहाँ से अंदर, उसके अंदर हम लोग आए थे नीचे से, और यहाँ ऊपर भी आए हैं। तो यहाँ का कुछ ऐसा सीन है आप देख सकते हैं, और ये भी राया साहब का महल का ही कोई है, किसी सदस्य क्या होगा और मुझे उतना पता नहीं। और यहाँ पे देख सकते हैं पानी वाला झरना भी है, देख सकते हैं सामने। बहुत तगड़ा धूप है यार अभी, लेकिन भाई आप लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भाई आप लोगों को दिखाने के लिए यार हम इतना दूर आए, आप इतना मेहनत कर रहे हैं, आप प्लीज़ भाई अपने अच्छे भाई का चैनल सब को सपोर्ट करें, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। और ये है किले का मेन एंट्री गेट, यहाँ से किले के अंदर प्रवेश किया जाता है, और मैं अभी इसका पीछे से सील ले रहा हूँ, बाकी वो जो है आगे से है।